तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 50 पे सेट है मेरी। अब इसके पैरामीटर में कैसे जाना है, अंदर कैसे जाना है, तो ये बुक है देखो, बुक के जरिए हम जा सकते हैं। जैसे मुझे वन में जाना है, मान लो पैरामीटर वन में जाना है, तो पैरामीटर वन में क्या जाना है, कैसे जाना है, चेक करते हैं। सबसे पहले हम एंटर दबाएंगे, एक और बार दबाएंगे, ऊपर वाला बटन दबाएंगे, उसके बाद फिर एंटर दबाएंगे तो ये 18 आ गया। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे हैज दिया हुआ है, अपने हिसाब से आपको डालना है। ये रेटिंग करंट डिस्प्ले ऑफ द एसी मोटर ड्राइव के बारे में डाल रखा है इन्होंने, तो ये 18 डाल रखा है इसमें। ठीक है, सेकंड नंबर हमें जाना है सेकंड में, इसको दबाएंगे वापस, 002 सेटिंग में जाना है। कैसे जाना है, वन से हो गया अब टू, एंटर मारेंगे 0, पैरामीटर 0 सेट है, ओके। फिर एंटर मारेंगे, 3 नंबर में आ गए, 3 नंबर चेक करेंगे 0 सेट है, एंटर मारेंगे, 4 नंबर में जाएंगे, एंटर करेंगे 0 सेट है। तो ऐसे करके फ्रेंड्स हम जा सकते हैं, और भी इसकी सेटिंग्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेटिंग में जाने का तरीका ये है, अब आपको चेंजिंग करना है तो कर सकते हो। सपोज दैट अपने इंडिया में चलती हैं 50 Hz की मोटरें, मतलब फ्रीक्वेंसी 50 होता है, तो अगर कोई 60 Hz की मतलब मोटर है आपके पास, कोई इस तरीके से है, तो आपको 60 Hz डालना है सपोज दैट फ्रीक्वेंसी, तो ये मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। इसको कैसे चेक करेंगे, वन में है, पैरामीटर वन में है, तो कैसे जाना है, मोड़ दबाओगे तो ये यहाँ से पीछे वाला हट जाएगा, ये वाली डिस्प्ले हट गई। अब यहाँ पे ऊपर वाला की दबाएंगे, वन आ गया, टू, ऐसे इसको दबाएंगे तो दबाते हुए यहाँ पे अब आ गया 10, वापस आ गया। तो जहाँ भी जाना है 10 तक जाके फिर एंटर मारेंगे इसको, तो वो पूरी 10 की सेटिंग आ जाएगी। अब हमें सिर्फ जाना है वन पे, एंटर मारा, वन आ गया, फिर इसको एंटर मारेंगे तो आ गया वन। अब देखिए ये सेटिंग हो गई 01.00, सेम आ गई। अब इसमें सेटिंग क्या पड़ी है ये देखिए, 50, यानी कि 50 फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। इसमें 60 डाली है इन्होंने, हमारी मोटर 50 की है तो हमने 50 की डाल रखी है। अगर आपको 60 डालना है तो यहाँ पे 60 डाल सकते हैं, ऐसे बढ़ा के यहाँ से जो बढ़ाना है आप बढ़ाते जाओ, ऐसे तो आ जाएगा। इस तरीके से हम डाल सकते हैं। अब हम वन में आ गए, टू में आ सकते हैं, एक्लेशन डेक्लेशन टाइम है 1.9 में आ सकते हैं, क्या है एक्लेशन टाइम, 9 में आ गए, 10 सेकंड डाल रखा है। डेक्लेशन टाइम देखना है तो 1.10 में जाना है, डेक्लेशन टाइम देखिए क्या है, 10, इसमें भी 10 है, हमारा भी 10 है। तो अगर हमें कम करना है मान लो ये टाइम, तो हम कम कर सकते हैं, ये मुझे कम करना है डेक्लेशन टाइम, मैंने 5 कर दिया, 5.8, अब 5 कर दिया मैंने, एंटर मार दो, हो गया 5, अब दोबारा चेक करना है, यहीं को एंटर मारो, 5 हो गया डेक्लेशन टाइम। तो इस तरीके से पूरे किताब में जहाँ भी आपको पैरामीटर सेट करने, सेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी सेटिंग करनी हो। और कुछ जानना हो इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।